रेप करने वालों को छोड़ दिया। तीसरा एलओसी एलएसी की बात बजट डिबेट प्रेसिडेंट एड्रेस में की गई, मगर चीन हमारी जमीन पर 2000 किलोमीटर बैठा है। खुद डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में हमारी फौज सिर्फ 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग कर सकती है। डिसएंगेजमेंट की बात होती है, डी इंडक्शन की बात नहीं होती है। चौथी बात यह है कि ये जो हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसमें तो दोनों सरकारों ने ऑलिगार्क्स को पैदा किया। एक संडेसराज हैं जो 15,000 करोड़ का धोखा देकर अल्बेनिया नाइजीरिया की सिटीजनशिप लेकर वहाँ के कोर्ट को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, भारत में आएंगे तो प्रोसिक्यूशन होगा। इस सरकार उस कोर्ट का जवाब नहीं देती। हाँ, फिर चौथी बात यह है कि माइनॉरिटीज़ पसमानदा मुसलमान की बात सरकार करती है। भाई, पसमानदा मुसलमान को दलित स्टेटस दीजिए ना, और फिर ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में आप चादर बिछाते हैं, और श्रीनगर हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आप गरीब आवाम के सर पर से चादर नहीं बल्कि घर छीन रहे हैं। तो ये डिबेट जो हुआ, हम इसमें इन बातों को हाईलाइट किया। और फिर लॉ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि अदालत जुडिशरी इंदिरा गांधी की तरह, इंदिरा गांधी ने कहा था कि कमिटेड, मोदी जी चाहते हैं कि वो लॉयल हो जाए उनके। 42nd अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी ने और देश की जनता निकाल कर फेंक दिया उनको। तो अदालत इंडिपेंडेंट है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर अटैक हो रहा है, कलीजियम पे अटैक हो रहा है। हम यही लोकसभा में थे जो हम उस एनजीएसी को अपोज किए थे। तो ये मोटा मोटा हम इन बातों को रखे हैं, और ये हम ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहती। तो आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सब है। प्रेसिडेंट के एड्रेस में पैराग्राफ नंबर 26 हम कह रहे हैं, देख लीजिए माइनॉरिटी वर्ड क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ वहां पर, बताइए। पैराग्राफ नंबर 26 कह रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 6 और 7 कह रहे हैं एलएसी 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 और एलएसी नारी शक्ति, पढ़ लीजिए आप। एकदम आपको डेटा दे रहे हैं ना पूरा। अगर हाइडनबर्ग के लोग इंडिया में होते तो यूएपीए लग जाता उनके ऊपर, अभी तक उन पर यूएपीए लग जाता अभी तक। लेकिन अडानी को लेकर इतना विवाद क्यों, किसी तरीके का किसी कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक जांच शुरू नहीं हुई है, उसके अलावा संसद में? सही कह रहे हैं आप, ये तो होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। अभी सरकार का काम है, करवाए उनको, करवाना चाहिए। और 28 लोगों की जो नामों की लिस्ट है जो भारत के बैंकों को चूना लगाकर भाग चुके हैं, उसमें किसी भी मुगल आजम का नाम नहीं है उसमें, समझे आप।